एक बार भगवान ने तीन लोगों को स्वर्ग में बुलाया। ये बात है मे बी 30th December 1999। गए तीन लोग उस वक्त। ये तीन लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ्य व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू आर थ्री चोजन बाय मी बिकॉज यू थ्री कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल। सो व्हाट आई कन्वे टू यू, यू मस्ट गो बैक टू अर्थ एंड कन्वे टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तीनों ने बोला ठीक है बताइए। तो भगवान ने कहा कि टुमोरो आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे एंड टेल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड दैट वी गॉट द मैसेज फ्रॉम गॉड एंड देन दिस इज गोइंग टू हैपन। तीनों गए वापस, आधा तो मुर्जा गए थे। पृथ्वी पे आए, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल इट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमिंग ऑन प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी फेसिंग द कैमरा एंड सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर अमेरिकन्स, there is some good news and there is some really bad news, and the good news is that I saw heaven, I saw God and he exists, I saw it with my own eyes and it was great, and the bad news is that he is going to destroy the world tomorrow, and he went off the camera. Then according to the protocol it was the time of the Secretary of State. अमेरिका के प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज द सेकंड मोस्ट डिप्लोमेट, इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट आफ्टर द प्रेसिडेंट। सो कॉलिन पॉवेल केम ऑन टीवी फेसिंग द कैमरा, ही सेड माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन अमेरिकन्स, देयर इज सम बैड न्यूज एंड गुड न्यूज। क्लिंटन क्या बोले थे? गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। कॉलिन पॉवेल गोज देयर इज सम बैड न्यूज एंड सम गुड न्यूज, एंड द बैड न्यूज इज दैट माय गॉड ही एग्जिस्ट्स, because he knew what he was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम कर, इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सदाम हुसैन एंड पार्टी, सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सदाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया, यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था। सो कॉलिन पॉवेल न्यू व्हाट ही वाज डूइंग इन इराक, सो ही सेड माय गॉड देयर इज सम बैड न्यूज फर्स्ट ही एग्जिस्ट, क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है ना। एंड द गुड न्यूज इज दैट अमेरिका इज फिनिशिंग ऑफ इराक टुमारो। Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America. Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard bhi nahi padhe, and he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, ladies and gentlemen, with a smiling face and a big loud voice, ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news. Attitudes kaise hain logo ke? And he says, the good news is that I was chosen among the top three in the population of 6 billion by God himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when he decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. Kis liye bulaya tha, wo kehne ki zarurat nahi hai. Bulaya tha na, kisne bulaya tha? Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage, if you have the right attitude. Jo hone wala hai kal, wo to hone wala hi hai. लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा,
अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तैयार किए हैं, वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो. सो बिल गेट्स गोज, देयर इज सम गुड न्यूज दैट आई वाज चोजन अमंग द टॉप थ्री बाय नन अदर देन गॉड हिमसेल्फ. एंड द मोर गुड न्यूज इज माइक्रोसॉफ्ट इज सॉल्विंग द Y2K प्रॉब्लम टुमारो. जो लोग हमारे पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि एक Y2K प्रॉब्लम था 98-99 में. बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 1-1-2000 तब 00 कैसे लेगा. वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त. तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 1-1-2000. पिछले दो जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था 8080-9090. डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था. अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यापार व्यवहार कैसा चलेगा. बड़ी हैरानी थी. तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम, Y2000 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया. तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले ले. सिचुएशन परिस्थिति एक ही थी, तीन लोग थे, उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं.